हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय टीचर विकास मैथ एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, जो चैप्टर 2 है आपका रिलेशन। ठीक है, ये जो है आपका एक कंसेप्ट क्लासेस है जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। रिलेशन के कुछ सब टॉपिक है। रिलेशन टॉपिक समझने से पहले आपको कुछ जो सब टॉपिक है उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप रिलेशन को समझ सकते हैं कि रिलेशन बेसिकली होता क्या है। तो इस वीडियो में कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ऑर्डर पेयर क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे, और इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है, जो इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में, तो इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। जितने भी पढ़ेंगे टॉपिक हर एक साथ एक एग्जाम्पल होगा, तो वहाँ से क्या होगा ना, आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो आपका टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या है। ये जो टॉपिक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशन का जो डिफिनेशन है ना यहीं से स्टार्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के कारण। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। और ये जो आपका रिलेशन चैप्टर है ना, और सेट चैप्टर है, और आपका फंक्शन चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर स्टार्टिंग इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, जो आपके क्लास 12 में भी यूज आने वाले हैं। क्लास 12 का भी फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, रिलेशन है और फंक्शन है, तो वहाँ पर अच्छे तरीके से इसका बेसिक जो कंसेप्ट है ना वहाँ पर यूज होने वाला है। तो ये तीनों चैप्टर ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, इसका सारा कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करके पढ़िए, और न्यूमेरिकल अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा यूज आप क्या करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। और ये रिलेशन और फंक्शन क्लास 12 में जो है ना, वहाँ पे आपका ये दो चैप्टर आपके मिनिमम 15 मार्क कवर करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक जो है आपका ऑर्डर पेयर क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर बेसिकली क्या होता है कि ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट या ऑब्जेक्ट इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। मतलब ऑर्डर पेयर क्या है, दो एलिमेंट का कंसिस्ट क्या होता है ऑर्डर पेयर में, उसमें उसका क्या होता है, एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है एलिमेंट रिटर्न करने का, कि ये एलिमेंट होगा इसी फिक्स्ड ऑर्डर से राइट करेंगे। ठीक है, आपका डिफिनेशन रहा ऑर्डर पेयर का। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं कि ऑर्डर पेयर होता क्या है बेसिकली। तो देखिए, यहाँ पे आपका सेट दिया है, यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन इट्स ऑर्डर पेयर इज ए कामा बी सच डैट ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी। ठीक है, ये आपका ऑर्डर पेयर होता है। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है कि मान लीजिए दो सेट आपका ए और बी क्या है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, देन इट्स ऑर्डर पेयर। उसका ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है ना कि ये स्मॉल ब्रैकेट में दो एलिमेंट होते हैं ए कामा बी, जो ए जो होता है ना वो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो सेट ए का होना चाहिए, यही उसका फिक्स्ड ऑर्डर है, और सेट बी जो है ना, जो बी होता है ना वो बी सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, ए कामा बी होता है, जिसका फिक्स्ड ऑर्डर होता है फर्स्ट एलिमेंट जो होगा हमेशा सेट ए को बिलोंग करेगा, और सेकेंड एलिमेंट जो होगा हमेशा सेट बी को होगा। यही आपका ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट है कि ए कामा बी, और जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा सेट ए को बिलोंग करेगा, और सेकेंड एलिमेंट होगा सेट बी को बिलोंग करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए इक्वल टू आप लेट कर लीजिए ना, सेट ए इक्वल टू मान लीजिए 1, 2 क्या है आपका एलिमेंट है सेट ए का, बी इक्वल टू लेट कर लीजिए यहाँ पे 3, 4 आपका एलिमेंट है सेट बी का। तो हम बोले कि ऑर्डर पेयर बताइए इस सेट का, ए और बी का, मतलब इसका ऑर्डर पेयर बताइए इन दोनों सेट का, तो ऑर्डर पेयर क्या क्या होंगे। तो देखिए ऑर्डर पेयर कैसे हम रिटर्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा सेट ए का, और सेकंड एलिमेंट क्या कर दीजिए सेट बी का लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, पहला 1, 3। ठीक है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है सेट ए का है, और सेकंड एलिमेंट सेट बी का है। ठीक है, इस तरीके से पहला ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया, और ऑर्डर पेयर बनाइए इसका तो क्या हो जाएगा, 1, 4 हो जाएगा। तो ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का है, और सेकंड एलिमेंट सेट बी का है। बस में ये ऑर्डर पेयर है, इसका ऑर्डर फिक्स्ड है, ये ऑर्डर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये ऑर्डर पेयर नहीं होगा। ठीक है, बस में बात, फिर क्या होगा आपका 2, 3
ये इसका ऑर्डर पेयर हो गया। एक और ऑर्डर पेयर बनेगा 2, 4, ये इसका 4 क्या होगा, ये 4 इसका ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए फर्स्ट एलिमेंट हमेशा क्या बोल रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट जो है सेट बी को बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका ऑर्डर पेयर हो गया सेट ए और बी का। बात समझ में आ रहा है कि ऑर्डर पेयर क्या हो गया। यहां से आपको ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर पेयर बेसिकली क्या होता है। ऑर्डर पेयर बेसिकली होता है कि एक फिक्स्ड ऑर्डर में दो एलिमेंट को अरेंज कर देना, दो एलिमेंट को रिटेन कर देना, वही क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर कहलाता है। ठीक है, ये रहा आपका ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख लीजिए। तो इसको क्या करिए, आप पहले नोट कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करके, उसके बाद से क्या करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखिएगा। तो देखिए नोट पॉइंट क्या है ऑर्डर पेयर में, नोट पॉइंट आपका ये है कि एन ऑर्डर पेयर इज नॉट ए सेट कंसिस्टिंग टू एलिमेंट। ऑर्डर पेयर जो है आपका टू एलिमेंट का सेट कंसिस्टिंग नहीं है, कि हमेशा क्या होगा, वो टू एलिमेंट किसी तरीके से भी अरेंज कर दिए तो क्या होगा, वो एक ऑर्डर पेयर हो गया। इट इज ऑनली ऑर्डरिंग ऑफ टू एलिमेंट इन फिक्स्ड ऑर्डर। ये ऑर्डर पेयर क्या है, ऑर्डर पेयर ये बताता है हमें कि दो एलिमेंट कैसे एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर आप इसको सेट नहीं बोल सकते हैं कि दो एलिमेंट का आप सेट है ये, क्योंकि सेट तो आपका किस तरीके से अरेंज करके भी लिख सकते हैं, कोई ऑर्डर उसमें नहीं होता है सेट में। लेकिन ऑर्डर पेयर में क्या होता है, आपका एक ऑर्डर होता है, एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा आपका सेट ए को बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट जो होगा आपका सेट बी को बिलोंग करेगा। तो ये क्या बता रहा है, ये एक फिक्स्ड ऑर्डर बता रहा है आपका ऑर्डर पेयर का। तो ये रहा आपका ऑर्डर पेयर का टोटल कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो सेकेंड टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो देखिए इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट ये है, आपस में दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पर लिट की है मैंने कि दो ऑर्डर पेयर है आपका A1, B1, एक ये ऑर्डर पेयर है, और A2, B2 ये एक ऑर्डर पेयर है। ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, आपस में इक्वल है, बोला है कि इक्वल है। इक्वल कब होंगे, जब A1 = A2 होगा, मतलब इसका क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट इसका क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट का इक्वल होगा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट दोनों का क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा A1 = A2, और सेकेंड जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है B1 = B2 होना चाहिए, तभी दोनों ऑर्डर पेयर क्या होगा, बोल सकते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है। ये इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट है कि दो ऑर्डर पेयर जब इक्वल कब होगा, जब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे कि वो दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी मदद से सॉल्व करते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के टाइप में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक एग्जाम्पल इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इफ 3x - 2, y + 3 equal to 2x - 1, 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ 3x - 2, y + 3 = 2x - 1, 3। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो आपसे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये ऑर्डर पेयर है आपका। जब ऑर्डर पेयर दोनों दिखा रहा है कि दोनों इक्वल है, जब इक्वल हैंगे तो क्या होंगे, फ्रॉम एबव डेफिनेशन से क्या हमें पता चलता है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, मतलब 3x - 2 = 2x - 1। बात समझ में आ रहा है, ये होगा। और एक क्या आप कंडीशन बन रहा है, इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, मतलब y + 3 = 3 होगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ से क्या करिए, आप x की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगा, तो सॉल्व कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x - 2x और -1 और इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका x = 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा y = क्या होगा यहाँ पे 3 - 3, मतलब y = क्या होगा 0। तो आपका x का वैल्यू 1 निकल के आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया, 0 निकल गया। यही तो हमें फाइंड आउट करना था कि x और y की वैल्यू बताइए। तो यहाँ से इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का जो क्वेश्चन बनता है, इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि x और y का वैल्यू बताइए या y और z का वैल्यू बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन बस बनता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में। तो ये रहा आपका इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट जो मैंने क्लियर किया। ठीक है, आगे देखते हैं हम
कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। ये जो टॉपिक है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसको यही यूज होने वाला है कि रिलेशन में, रिलेशन के डिफिनेशन जब बढ़ाएंगे ना तो यही बताएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, रिलेशन यहीं से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये तो जो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर हो गया, या ऑर्डर पेयर क्या होता है, ये तो बस माहौल बना रहा है आपका रिलेशन का, ठीक है। वहाँ से इस कहानी स्टार्ट होगा, रिलेशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जो आपका सेट है थोड़ा अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। बस ध्यान दीजिए बस। तो देखिए स्टूडेंट, आपका थर्ड टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का डिफिनेशन क्या है, लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए बी बिलोंग टू सेट बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। तो देखिए एक था जो डिफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसका मीनिंग ये बोल रहा है ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, अगर दो सेट का आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो दोनों सेट का जितना भी ऑर्डर पेयर बनाइए और उसका क्या करिए, एक सेट बनाकर लिख दीजिए, वही क्या बताता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। दो सेट का है तो दो सेट बताएगा, तीन सेट है तो तीन सेट का बताएगा, और चार सेट है तो चार सेट का बताएगा। क्या बोला मैंने कि जो भी सेट दिया गया ना उसका क्या करिए, आप एक ऑर्डर पेयर बनाइए, जितने भी उसका ऑर्डर पेयर बन सकता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर उसका बनाइए, उसके बाद से क्या करिए एक सेट बनाकर उसमें उसको राइट कर दीजिए, तो वही क्या हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी यहाँ पे है तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जो है उसको डिनोट करते हैं हम ए क्रॉस बी से, किसे डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, इसको रीड करते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है। ये बताता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी। देखिए अगर इसका हम सेट के फॉर्मेट में लिखे ए क्रॉस बी क्या होता है बेसिकली, तो ए क्रॉस बी का कहने का मतलब यही होता है ना कि सेट होगा आपका ए कॉमा बी क्या होगा ऑर्डर पेयर होगा सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी, यही क्या है आपका, यही आपका ए क्रॉस बी। ये क्या बता रहा है कि सारा ऑर्डर पेयर का सेट जो है ए और बी जो आपका सेट है ना, वो सारा ऑर्डर पेयर का सेट जो है ना वो बताता है आपका ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं कोई भी सेट का, वो सारा क्या होता है कंटेंट होता है, ठीक है, उसी का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर। अदर वर्ड में बोले जाए तो क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी, इसको अदर वर्ड में बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे बोलिए चाहे ऐसे बोलिए दोनों सेम ही है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, देते हैं ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसको समझते हैं, देखते हैं ए क्रॉस बी क्या है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है सेट ए इक्वल टू, आपको सिलेक्ट कर लीजिए कि सेट ए में जो आपका है एलिमेंट है 2, 4, 6 है, और सेट बी में आपका कुछ एलिमेंट लेट कर लीजिए कि सेट बी में क्या एलिमेंट है, सेट बी में आपका एलिमेंट है आपका 1, 2 है, ये आपका एलिमेंट है। तो हम क्या बोले, हम बताएं बोले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी क्या होगा, ठीक है, ए क्रॉस बी, और दूसरा फाइंड आउट करिए बी क्रॉस ए क्या होगा, ठीक है। दो फाइंड आउट करिए, एक ए क्रॉस बी और एक बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी आप फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तो पहले क्या करेंगे, इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए और बी का, मतलब ए और बी का ऑर्डर पेयर क्या होगा। तो ऑर्डर पेयर क्या होगा आपका ए क्रॉस बी, मतलब क्या ऑर्डर पेयर बनाएंगे, एक सेट यहां बना लेंगे और ऑर्डर पेयर बनाइए। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या होगा 2, 1 फर्स्ट एलिमेंट होगा सेट ए का, और सेकंड एलिमेंट जो होगा आपका सेट बी का। तो वही मैंने लिखा है, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का 2 है और सेकंड एलिमेंट सेट बी का आपका 1 है, तो 2, 1 हो गया। इस तरीके से फिर क्या होगा आपका 2, 2 होगा, ये 2 वाला सारा खत्म हो गया। फिर एक बार 4 के साथ ऐसे ही होगा, तो ये क्या होगा 4, 1 फिर 4, 2, तो ये आपका हो गया ऑर्डर पेयर। फिर 6 के साथ ऐसे ही होगा, तो 6, 1 और एक क्या होगा आपका 6, 2 होगा, ठीक है। तो ये जो आपका जितना पॉसिबल ऑर्डर पेयर था वो मैंने क्या कर दिया, बना के एज इट इज लिख दिया, और इसमें क्या कर दिया एक सेट में, सेट के फॉर्मेट में लिख दिया। तो यही क्या होता है आपका ए क्रॉस बी होता है, क्या होता है ए क्रॉस बी। अगर फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितना होगा, तो क्या करिए इसमें कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, तो 3 × 2 कर दीजिए 6 आपका ऑर्डर पेयर होगा। तो देखिए 6 हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 6 हो रहा है,
ठीक है, मैं लास्ट में नोट करके लिखवाऊंगा, नोट पॉइंट लिखवाऊंगा ऑर्डर पेयर का, जितना भी नोट पॉइंट है मैं वहां पे लिखवाऊंगा, ठीक है, वहां पे भी लिखवा दूंगा, ठीक है। इसको आप समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी क्या होता है। इसी तरीके से आप बी क्रॉस ए फाइंड आउट करिए, तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा आपका, बी क्रॉस ए, तो जी बी जो है आपका फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट सेट है ना, तो सारा पहला एलिमेंट किसका होगा, सेट बी का होगा। याद रखिएगा जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट होता है ना उसी का ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं। यहाँ पे बी है तो बी का सारा फर्स्ट एलिमेंट होगा आपका ऑर्डर पेयर में। तो बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वन, तो वन कामा इसके इसके साथ बनेगा, तो वन कामा टू हो जाएगा, फिर आपका वन कामा फोर हो जाएगा, फिर आपका वन कामा कितना हो जाएगा, वन कामा सिक्स हो गया। तो फर्स्ट एलिमेंट सबका बी का चलेगा, बी क्रॉस ए है तो आपका, फिर उसके बाद टू कामा टू हो जाएगा, फिर उसके बाद टू कामा फोर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, टू कामा सिक्स हो जाएगा। तो ये आपका जो हो गया ना, ये बी क्रॉस ए निकल गया, क्या निकल गया, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए तो फर्स्ट एलिमेंट सेट बी का होगा, ए क्रॉस बी तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा, ये बात याद रखिएगा। तो ये रहा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट आपका, ये दो सेट के लिए है, दो सेट के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, थ्री सेट के बारे में भी देख लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट क्या होता है। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट का मतलब क्या होगा, आपका थ्री सेट दिया रहेगा ए बी सी, यहाँ पर तीनों क्या होगा नॉन एम्प्टी सेट होगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ठीक उसी तरीके से टू सेट का है, तो उसी तरीके से इसका भी ऑर्डर सेम ही रहता है, बस एक और एक एलिमेंट बढ़ जाता है। तो क्या होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, ए कामा बी कामा सी, जहाँ पे ए जो होगा फर्स्ट सेट ए को बिलोंग करेगा, बी जो होगा सेट बी को, और सी जो होगा आपका सेट सी का, बस एक एलिमेंट बढ़ गया है, तो इस तरीके से आपका ऑर्डरिंग भी इस तरीके से हो जाएगा। तो यही क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट होता है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल की मदद से क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट बेसिकली होता क्या, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेट कर लीजिए आप यहाँ पे एग्जांपल, एक एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका कि ए इक्वल टू एक कुछ सेट मान लीजिए, वन कामा टू उसका क्या है एलिमेंट है, और बी सेट बी इक्वल टू कुछ लेट कर लीजिए उसका एलिमेंट आपका थ्री कामा फोर है, और सेट सी इक्वल टू आप लेट कर लीजिए, सेट सी इक्वल टू लेट कर लीजिए आप कि फोर फाइव सिक्स उसका एलिमेंट है, फोर फाइव सिक्स क्या है उसका एलिमेंट है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे। तो पहले फाइंड आउट करिए ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए क्रॉस बी क्या होगा ऑर्डर पेयर बनाइए इसका, तो पहला क्या होगा वन कामा थ्री पहला ऑर्डर पेयर, फिर क्या होगा वन कामा फोर होगा कामा, फिर आपका क्या होगा टू कामा थ्री, फिन कामा फिन आपका क्या होगा टू कामा फोर होगा कि नहीं होगा, ये एक क्या हो गया ए क्रॉस बी का हो गया, ठीक है। तो आपका ए क्रॉस बी आपने फाइंड आउट कर लिया, अब क्या करेंगे हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब ये हो जाएगा ना कि ए क्रॉस बी का सारा एलिमेंट होगा यहाँ पे क्रॉस सी होगा, क्रॉस सी होगा। तो इसको आप बिहेव करिए कि मान लीजिए कि ये पूरा क्या आपका ए है, तो अब ये आपका सेट ही हो जाएगा ना ए क्रॉस बी का, तो यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए ये आपका सेट क्या हो जाएगा वन कामा थ्री ये हो गया कामा, फिर वन कामा फोर टू कामा थ्री ये क्या हो जाएगा टू कामा फोर ये आपका सेट हो गया, और आपका सेट सी क्या दिया हुआ है सेट आपका सी दिया है आपका उसको भी रिटेन कर दीजिए, सेट सी यहाँ पे आपने लेट किया है फोर कामा फाइव कामा सिक्स। अब क्या करिए ऑर्डर पे बनाइए इसका, ए क्रॉस बी है तो पहले ए क्रॉस बी का एलिमेंट रहेगा उसके बाद क्या होगा सी का एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे आपका जो बनेगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी बनेगा, तो बनेगा क्या पहला तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा वन कामा थ्री कामा फोर, यहाँ पे फोर है ना तो वन कामा थ्री कामा फोर होगा, फिर आगे क्या होगा आपका वन कामा थ्री कामा फाइव होगा, फिर आगे क्या होगा वन कामा थ्री कामा सिक्स होगा, होगा कि नहीं होगा, ये एक जो है ना ये तीनों के साथ बनाएगा ना, तीनों के साथ होगा ना ऑर्डरिंग उसका तीनों के साथ होगा, फिर इसी तरीके से फोर जो होगा तीनों के साथ वन कामा फोर का तीनों के साथ होगा, तो वन कामा फोर कामा फोर होगा, फिर कामा वन कामा फोर कामा फाइव होगा, फिर कामा वन कामा फोर कामा सिक्स होगा, बस समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है, इस तरीके से होगा, फिर आपका टू होगा टू कामा थ्री कामा फोर होगा, इस तरीके से क्या होगा आप राइट डाउन करेंगे, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्पेस ही कम पड़ गया हमारा, स्पेस कम पड़ गया तो कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये आपका फोर तक हो गया है, टू टू कामा थ्री कामा क्या होगा टू कामा थ्री कामा फोर होगा, फिर उसके बाद से टू कामा थ्री कामा फाइव होगा, फिर उसके बाद से क्या होगा टू कामा थ्री कामा सिक्स होगा, तो टू वाला सारा कंप्लीट हो गया, फिर आपका बचा है टू कामा फोर कामा फोर कामा फोर होगा,
ठीक है, फिर ये फाइव के साथ होगा तो टू कामा फोर कामा फाइव, ठीक है यहाँ पे छुट्टा यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या होगा सिक्स होगा, सिक्स के साथ टू कामा फोर कामा सिक्स, ये आपका सेट क्या होता है क्लोज होता है यहाँ पे। तो ये जो होगा ना आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी का ये सारा एलिमेंट है, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम तीन अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट, तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना रहता है ना, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। पहले क्या करते हैं ए क्रॉस बी का, फिर उसके बाद से क्रॉस सी कराते हैं, तो आसानी से हम वहाँ से क्या होता है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसे हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो इसको क्या करिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, रिमार्क आपका फर्स्ट क्या है, देखिए रिमार्क ये फर्स्ट है आपका कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी, हमें फाइंड आउट करना है कि दो सेट दिया गया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपका दिया है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में हमने लेट किया है कि एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में आपका एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो यहां से आ जाएगा m इंटू एन, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्या माना है हम m माना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट b क्या माना है n माना है। तो इसी तरीके से आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b इक्वल टू हो जाएगा आपका m इंटू एन, ठीक है। यहां से एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए एग्जांपल क्या है आपका, सेट a में आपका दीजिए वन और टू, आपका वन और टू क्या है आपका एलिमेंट है आपका, सेट b में आपका दिया है थ्री फाइव सिक्स, ये तीन एलिमेंट दिया गया है, तो हम पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितना होगा, तो क्या करेंगे इसका एलिमेंट काउंट करेंगे और इसका एलिमेंट काउंट करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो क्या आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितने होंगे। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है टू है, यहाँ पर कितना एलिमेंट है आपका तीन एलिमेंट है, दो तिहाई छः, मतलब छः क्या होगा छः एलिमेंट होगा ए क्रॉस बी में आपका। तो यही मैंने क्या किया, यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है, m इंटू एन इंटू करा के इस तरीके से लिख दिया, समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में क्या होगा आपका, दोनों सेट का एलिमेंट का नंबर देखिए कितना एलिमेंट है, और दोनों का क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो निकल के आ जाएगा। तो ये रहा आपका रिमार्क नंबर फर्स्ट। रिमार्क नंबर टू बोलता है कि इफ आइदर ए और बी इज ऑन इनफाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी इज ऑन इनफाइनाइट, बोलता है ये कि दोनों आपका ए और सेट बी दोनों में से कोई एक अगर इनफाइनाइट सेट है ना, तो आपका जो ए क्रॉस बी भी आएगा ना वो भी क्या आएगा एक इनफाइनाइट सेट आएगा। तो जाहिर सी बात है जब ए और बी दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट है, तो जो आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या करेंगे वो भी एक इनफाइनाइट बनता जाएगा ना, तो उसमें सेट का एलिमेंट भी क्या होगा ए क्रॉस बी में इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये रहा आपका सेकेंड रिमार्क। थर्ड रिमार्क ये है इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, ठीक इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला है जो फर्स्ट मैंने रिमार्क बताया दो सेट के लिए, दो सेट के लिए तो यही है, तीन सेट के लिए तो जितना एलिमेंट होगा तीनों सेट में, तीनों सेट के एलिमेंट को क्या करेंगे साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट होंगे। तो ये आपके थ्री रिमार्क रहे हैं आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के रिलेटेड, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, ये कंपिटेटिव एग्जाम में अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका जो लास्ट टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और एक क्या होता है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपली इसका दो रिप्रेजेंटेशन होता है, पहला क्या होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और दूसरा क्या होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपने अभी तक पढ़ा होगा, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे जो भी ऑर्डर पेयर होता है क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को हम एक्स मानते हैं x कोऑर्डिनेट और y सेकेंड एलिमेंट को क्या मानते हैं y कोऑर्डिनेट मानते हैं। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। मैंने एक एग्जांपल लिया है सेट a इक्वल टू 1 कामा 2 और सेट b इक्वल टू 3 कामा 4, तो इसका मैंने a क्रॉस b फाइंड आउट कर दिया है, तो आपका a क्रॉस b आपका ये क्या आया है ये आपका एलिमेंट है a क्रॉस b का, तो ये क्या बोल रहा है 1 कामा 3, तो इस पर क्या करेंगे 1 कामा 3 हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 और ये आपका 4, इसी तरीके से यहाँ पे
वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री और यहाँ पे फोर। बात समझ में आ रहा है? तो अब इसका कोऑर्डिनेट देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है? वन का मा थ्री है ना, तो वन का मा थ्री कहाँ आएगा? वन मतलब पहला एलिमेंट क्या है? एक्स है ना, तो एक्स का वन यहाँ पे है और वाई का थ्री है ना, तो थ्री यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पे आएगा। तो ये आपका बताएगा आपका वन कामा थ्री हो गया। तो ये पहला ऑर्डर पेयर हमने रिप्रेजेंट कर दिया वन कामा थ्री। उसी तरीके से वन कामा फोर, तो वन कामा फोर कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वन कामा फोर। फिर उसी तरीके से आपका टू कामा थ्री, तो टू क्या है? एक्स एलिमेंट है ना। टू कामा थ्री कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? टू कामा थ्री। इसी तरीके से क्या करते हैं? इसी तरीके से हम ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में। तो ये आपको तो समझ में आया होगा, छोटे ही क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंट करते हैं। आइए देखते हैं सेकंड रिप्रेजेंटेशन, डायगोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो डायगोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? बेसिकली हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से ये सेट ए को बताता है और ये आपका क्या आता है? सेट बी को बताता है। ये सेट ए हो गया और सेट बी हो गया। ठीक है, इस तरीके से सर्कल बना देते हैं, समझ में आ रहा है? और सेट ए में जितने एलिमेंट है उसका लिख देते हैं। कौन सा एलिमेंट है? वन कामा टू है ना, यहाँ पे वन कामा टू। और सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है आपका? थ्री कामा फोर, तो थ्री कामा यहाँ पे फोर लिख देते हैं। और फिर क्या करते हैं, पहले इसका ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। तो ऑर्डर पेयर मैंने बनाया है तो वन कामा थ्री, तो वन कामा थ्री क्या करेंगे? यहाँ से मैच कर देंगे, इस तरीके से तीर बना देंगे, इस तरीके से। बस समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया आपका? वन कामा थ्री हो गया। उसी तरीके से वन कामा फोर, तो फिर इस तरीके से वन कामा फोर इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से तीर बना देंगे। फिर आपका टू कामा थ्री, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका टू कामा थ्री हो गया। बात समझ में आ रहा है? फिर आपका टू कामा फोर, इस तरीके से आपका ये टू कामा फोर हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इसे हम डायगोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन भी खत्म होता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? तो दो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये मैंने बता दिया एग्जांपल से। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा कि वो भी क्या मिल पाए मैथ पढ़ने में, उनको भी हेल्प मिल पाए और आसानी से समझ में आ पाए कोई भी टॉपिक। ठीक है, तो कमेंट करके बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो था कंसेप्ट क्लास था ये चैप्टर का, आपका रिलेशन जो चैप्टर है उसका, क्लास 11th का। बात समझ में आ रहा है? तो इसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो 2.1 दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे। और अब से क्या करेंगे ना, कंसेप्ट वाला भी क्लास हम पढ़ाएंगे, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कोरोना पीरियड चल रहा है तो बाहर जाना अलाउ नहीं है वहाँ अच्छे तरीके से, तो वो कम से कम कंसेप्ट क्लास पढ़ के तो एक्सरसाइज तो हल कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरूर कमेंट कर बताइएगा कि आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।